हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम पुराने से पुराने तांबा और पित्तल को बर्तन को साफ करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीकों से। इसे बिल्कुल भी नहीं घिसना पड़ेगा, बिना किसी मेहनत के मिनटों में हाथ लगाते ही साफ हो जाएंगे। आजकल के भाग दौड़ के जिंदगी में हम सभी चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी साफ हो जाए। कोई भी बर्तन हो, ऐसा ट्रिक हो कि एकदम ज्यादा देर घिसना नहीं पड़े, ज्यादा टाइम नहीं देना पड़े और बिल्कुल नए जैसा बन जाए, तो आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक चम्मच नमक ले लिया है और ये है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड या नींबू सत्त के नाम से जाना जाता है। साइट्रिक एसिड किसी भी ग्रोसरी शॉप पर मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते में, तो इसे पाउडर बना लेना है ताकि इसे घोलने में आसानी हो। तो देखिए, इसे पाउडर बना दिया है और एक चम्मच पानी डाल दिया है और इसे घोल लेना है अच्छे से। और इसे कांच का बर्तन या प्लास्टिक या सिरेमिक का बर्तन में लें, नहीं तो स्टील का बर्तन में लेंगे तो काला पड़ जाएगा। और देखिए, इस तरीके से मैं हाथों की सहायता से ही इसे लगा रही हूँ और देखिए बिल्कुल एकदम साफ हो रहा है। तो इसे कोई भी मेहनत नहीं लगता है, ऐसे ही लगाकर इसे छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए और इसे पानी से धो दीजिए, एकदम बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा बिना किसी मेहनत के। तो मैं इसी से साफ करती हूँ। एक पैकेट साइट्रिक एसिड 30 या 35 में मिलते हैं और एक बार आप ले आएंगे तो 5 से 6 महीने तक इसे यूज करिए। एकदम थोड़ा सा लीजिएगा, एकदम बहुत सारे बर्तन धुल जाएंगे। या साइट्रिक एसिड के बहुत सारे यूज होते हैं, उसे दूध फाड़ने में, पनीर बना रहे हैं, नींबू नहीं है तो वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। जहाँ पर सिरका की यूज होता है वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो इसे बहुत सारे यूज होते हैं, तो मैं ये लाके हमेशा रखती हूँ और जब भी कोई बर्तन या कोई भी काम लगता है तो इसे यूज कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा होता है। और इसी तरीके से सारे बर्तन में लगाकर 5 मिनट के लिए रख दूंगी। आप इस टाइम भी इसे हल्का हल्का रब करेंगे तो इस टाइम भी अच्छे से छूट जाएंगे, लेकिन इसे मैं रख दूंगी, फिर अपने आप ही काफ़ी हद तक साफ हो जाएंगे। तो देखिए, इसे मैंने 5 मिनट तक के लिए रख दी थी और 5 मिनट में देखिए कितने अच्छे से अपने आप ही साफ हो गया है। तो आप चाहें तो इसे पानी से धोकर इसी तरीके से डायरेक्ट रख सकते हैं। मैं इसे और भी थोड़ा साफ करूंगी ताकि इसमें और भी लाइट आ जाए। तो इस तरीके से मैं स्क्रबर ले ली हूँ, जो सिंपल जो बर्तन धोते हैं वही लेना है, कोई हार्ड वाले लोहे वाले नहीं लेना है। लोहे वाले से निशाने भी पड़ जाते हैं और बर्तन भी घिस जाता है, तो मैं लोहे वाले नहीं रखती हूँ, इसी से मैं साफ करती हूँ। तो हल्का हल्का हाथों से इस तरीके से मैं कर रही हूँ और देखिए कितने इजीली साफ हो रहा है। और कढ़ाई में तेल का जला हुआ था इसीलिए थोड़ा रह गया है, तो इसे इस तरीके से रब करने से बिल्कुल एकदम साफ हो जाएगा। और देखिए पीछे का साइड में भी कितने अच्छे से साफ हो गया है। तो इस तरीके से 5 मिनट में काफी सारे बर्तन धुल जाते हैं और जहाँ पे ज्यादा थोड़ा पड़ गया साइट्रिक एसिड तो देखिए कितना एकदम वाइट लग रहा है। और इस तरीके से मैं हल्के हाथों से ही कर रही हूँ, पर वीडियो का स्पीड थोड़ा बढ़ा दिया इसीलिए आपको लग रहा होगा मैं तेज़ी से कर रही हूँ। इस तरीके से हल्के हाथों से ही करना है, एकदम नए जैसा बन जाता है। तो देखा आपने, इसे साफ करना बहुत ही आसान है, बिना किसी मेहनत के साफ हो जाता है। तो इसी तरीके से मैंने सारे बर्तन को धुल लिया है और देखिए कितने अच्छे से साफ हुआ है। अगर आपके यहाँ साइट्रिक एसिड नहीं है तो उसके जगह आप दही और नमक भी ले सकते हैं, सेम ही काम करता है। तो घर में खट्टा दही पड़ा हुआ है उससे भी आप साफ कर सकते हैं। तो मैं साइट्रिक एसिड या कभी दही से भी साफ करती हूँ, या केचप से भी साफ कर सकते हैं।
दही का भी सेम तरीके से करना है। इसमें लगाकर 5 मिनट के लिए रख देना है, अपने आप ही साफ हो जाएगा बिना हाथ लगाए। अब यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है और यहीं पर मैं इसे धोकर दिखाती हूँ। तो देखिए एकदम बिल्कुल नए जैसा हो गया है, एकदम लाइट दे रहा है। तांबा पीतल के बर्तन थोड़ी देर ही हवा में रहते हैं तो ये पीला पड़ने लगते हैं। तो जितना जल्दी ये पीला पड़ता है साफ भी उतना ही जल्दी हो जाता है। तो देखा आपने बिना मेहनत के कितना जल्दी साफ हो गया है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगा है। एक बार आप 30-35 के ला कर रख दीजिए और कम से कम 5-6 महीने तक आराम से चल जाएंगे। तो 1 रुपये के साइट्रिक एसिड लगा होगा और बहुत ही अच्छे से साफ हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो किसी भी रीजन में अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।